दोस्तों मेरा नाम है फिजिक, मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल डायनेमिक मोटर वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे व्हीकल ओवररेटिंग के बारे में। गाड़ियाँ ओवररेट क्यों होती है, गाड़ियाँ ओवररेट होने से नुकसान क्या है और गाड़ियाँ ओवररेट हो ना हो इसके लिए हम प्रिकॉशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ियाँ ओवररेट होती क्यों है। गाड़ियाँ ओवररेट होने का जो मेन सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है रेडिएटर ब्लॉकेज। रेडिएटर ब्लॉकेज के कारण गाड़ियाँ ओवररेट हो जाती है, जिससे कि कूलेंट सर्कुलेट नहीं हो पाता, उस कारण गाड़ी अपनी हीट एटमोसफेयर में नहीं जा पाती, उस कारण से गाड़ी ओवररेट होती है। और दूसरा जो कारण आता है कूलेंट लीकेज। कूलेंट लीकेज के कारण क्या होता है कि गाड़ियों का जो कूलेंट होता है वो सर्टन जो लेवल होता है उससे कम हो जाता है और परफेक्ट कूलिंग जो है ना कूलेंट उसमें सर्कुलेट नहीं हो पाता, उस कारण से गाड़ियाँ ओवरहीट हो जाती है। तीसरा जो कारण आता है, तीसरा कारण है थर्मोसेट वाल्व। थर्मोसेट वाल्व होता है, आपको इस साइड दिख रहा होगा, वो थर्मोसेट वाल्व खराब हो जाता है, उसके कारण कूलेंट प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाता है, एक तरह का उसमें ब्लॉकेज ही हो जाता है, उस कारण से गाड़ियाँ ओवरहीट हो जाती है। सर्कुलेट करवाता है पूरे कूलेंट को गाड़ियों में, वो कूलेंट पंप के पंप खराब हो जाता है, लेकिन उसकी जो विंग्स होते हैं विंग्स रस्टिंग के कारण डैमेज हो जाते हैं अंदर से, उस कारण भी गाड़ियाँ ओवरहीट हो जाती है। अगर आप फॉल्ट पता नहीं चल रहा आपकी गाड़ी में ओवरहीटिंग हो रही है तो एक बार कूलेंट पंप को खुलवा के चेक करवा लीजिए। तो पांचवा जो कारण है कि वो है कूलेंट की जगह पर पानी का यूज़ करना, और 40,000 या फिर 2 साल से ज़्यादा कूलेंट की लाइफ से ज़्यादा उसका कूलेंट को यूज़ करना भी इंजन के लिए हानिकारक होता है, उससे भी गाड़ी ओवरहीट हो सकती है। और छठा जो कारण आता है वो रेडिएटर फैन। रेडिएटर फैन जो होता है वो बंद हो जाता है, उसको फ्यूज हो जाता है उसका, तो उसके फ्यूज बॉक्स चेक करिए और उसका फ्यूज चेंज करिए, उससे भी ठीक हो सकता है। सातवां जो कारण आता है वो सातवां कारण है एसी। कई जो कम सीसी की गाड़ियाँ होती है उनमें एसी की प्रॉब्लम होती है, जब एसी चालू करते हैं तो गाड़ियाँ ओवरराइडिंग करती है, इस कारण से ये कूलेंट की लाइफ खत्म होना भी एक सिम्बॉल है, इस कारण से भी गाड़ी ओवरहीट हो सकती है। तो अपना कूलेंट चेंज करके देखिए, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और आठवां कारण है आपकी गाड़ी में जिस कंपनी ने जो ग्रेड का जो ऑयल रिकमेंडेड किया है उस ग्रेड का ऑयल यूज़ कीजिए, आपकी गाड़ी का कभी ऑयल की वजह से ओवरहीट ना होगी। अब बात करते हैं गाड़ियों की ओवरहीटिंग से नुकसान क्या है। गाड़ियों की ओवरहीटिंग से जो मेनली जो नुकसान है, वो सबसे पहली बात, गाड़ी की ओवरहीटिंग के कारण आपका इंजन भी सीज हो सकता है और आपकी गाड़ी की गैस्केट जा सकती है। गैस्केट जाने से आपकी गाड़ी के जो ऑयल है, ऑयल और कूलेंट दोनों मिक्स हो सकता है, और ऑयल कूलेंट आपके इंजन के कंबसन चेंबर में जा सकता है, जिससे इंजन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और ये सब आपकी गाड़ी आपके जेब के लिए बहुत नुकसानदायी होगा, और इससे आपकी गाड़ी का इंजन भी खुल सकता है। अब हम बात करते हैं गाड़ियों की ओवरहीट ना हो इसके लिए हम प्रिकॉशंस क्या लें। सबसे पहली बात जो कि सारी सिचुएशन गाड़ी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, सबसे पहली आप टाइम टू टाइम गाड़ी की सर्विस करवाइए, और दूसरे जो बात आती है कूलेंट को टाइम टू टाइम चेंज करिए। 40,000 किलोमीटर या 2 साल के अंदर आप कूलेंट को चेंज कर दीजिए, और जब आप सिटी में ड्राइव करते हैं तो उस टाइम आप है ना गाड़ी को ज़्यादा रेव ना करें, मतलब ज़्यादा एक्सीलेटर ना दें, उससे भी आपकी गाड़ी को बहुत फर्क पड़ेगा। और गर्मियाँ शुरू होने से पहले एक बार आप पूरे रेडिएटर को क्लीन करवा ले, और रेडिएटर क्लीन करके आप उसको फ्लश भी कर सकते हैं, और गाड़ी का जो फिल्टर होता है, सारे जो फिल्टर है वो फिल्टर टाइम टू टाइम चेंज करवाइए, और गाड़ी का जो कूलेंट है वो हमेशा चेक करते रहिए। आप कहीं भी जा रहे हो गाड़ी का कूलेंट चेक करिए, गाड़ी का कूलेंट कभी भी लोअर लेवल से कम मत होने चाहिए। थैंक यू, मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो। थैंक यू।